नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति शर्मा और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। पांच शेर कहे जाने वाला पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ सिर्फ यही जगह थी जो अब तक तालिबान के नियंत्रण में नहीं थी, लेकिन तालिबान ने सोमवार को ऐलान किया है कि अब तक अजय रहा पंजशीर भी अब उनके कब्जे में है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह ने एक बयान जारी कर कहा कि अब इस जीत के बाद हमारा देश इस युद्ध के दलदल से बाहर निकल चुका है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को काबुल पे कब्जा करने के बाद पंजशीर ही एक ऐसा इकलौता प्रांत था जो अफगानिस्तान के नियंत्रण में नहीं था। कई लोगों ने पहचान जारी ना करने की शर्त पर समाचार एजेंसी एपी को बताया कि रविवार रात हजारों तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर के 8 जिलों पर कब्जा कर लिया है। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही तस्वीरों में तालिबान लड़ाके पंजशीर के गवर्नर ऑफिस के गेट के बाहर खड़े दिखाए जा रहे हैं। हालांकि तालिबान से लोहा लेने वाले रेजिस्टेंस फोर्स का कहना है कि अभी जंग जारी है। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का कहना है कि अभी भी घाटी में वो कई जगहों पर मौजूद हैं और उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता और तालिबान से लोहा लेने वाले अहमद मसूद के करीबी फहीम दश्ती की भी तालिबान में रविवार को मौत हो गई थी। पंजशीर में तालिबान के आगे कमजोर पड़ने वाले नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने एक बयान जारी कर सीज फायर करने की भी मांग कही। तो अफगानिस्तान में जंग जारी है या तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण पा लिया है और वो कब अपनी सरकार बनाएंगे? इन सभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज।